माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है और देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्राह्मण के समान आचरण करने वाली। इन्हें कठोर तपस्या करने के कारण तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। देवी का स्वरूप बहुत ही तेज और ज्योतिर्मय है। नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और संयम में वृद्धि होती है। इस दिन देवी कन्या का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की मगर उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगे। तब देवी ने भगवान कामदेव से मदद मांगी। उन्होंने ध्यान में बैठे हुए शिव पर काम वासना का तीर छोड़ा और शिव के ध्यान में मग्न हो गया। क्रोधावेश में उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद देवी पार्वती पहाड़ पर गई और वहां उन्होंने कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तप किया था जिसके कारण वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। उन्होंने 1000 साल तक केवल फल खाकर तपस्या की थी। उसके बाद 100 सालों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे भी 3000 सालों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद देवताओं में इस तप को देखकर चिंता होने लगी। वहीं इस कठोर तपस्या से भगवान शंकर का ध्यान देवी ने अपनी ओर आकर्षित किया। उसके बाद भगवान शिव अपना रूप बदलकर पार्वती के पास गए और अपनी बुराई की लेकिन देवी ने उनकी एक न सुनी। अंत में शिव जी ने उन्हें अपनाया और उनसे विवाह भी किया। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।